तो वेलकम गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि नाइट लैंप, और आप कह सकते हैं कि नाइट होते ही अपने आप लाइट ऑन ऑफ कैसे हो जाए। ठीक है, आज हम इस शॉर्ट प्रोजेक्ट करने वाले प्रोटोस पे, इसमें मेन होगा आर्डिनो। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल है, तो मैं आपको पहले लेके चलता हूँ। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने कर लिया है उनको लिए उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियो जैसे अपलोड कर दूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और खास साथ साथ ये भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर बार एक फाइल ही प्रोवाइड करता हूँ, मतलब क्योंकि उसमें एडिट करना बहुत एडिट नहीं कर सकते आप, तो खाली अपलोड कर दे सकते हैं आर्डिनो में। तो ये बहुत सिंपल साधा वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि हेक्स फाइल कैसे अपलोड करने की यूजिंग हेक्स लोडर से, जो मैं आपको हर बार प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये वाली, तो चलिए आप शुरुआत करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके मन में प्रश्न फूटा ही होगा कि ये क्या है। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का सबसे छोटा और सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर है, लाइट सेंसर। हाँ, आपने इसे सुना, आप मतलब आपने बहुत बार LDR का यूज किया होगा। ठीक है, पर ये इससे बहुत छोटा है। मैंने ये क्यों यूज किया, क्योंकि आपको मैं आगे बता देता हूँ, पहला मेन रीजन है पावर कंजम्पशन बहुत ही कम है। ठीक है, इसका बेनिफिट है, तो मैं आपको इसके बारे में और भी बताने वाला हूँ, उससे पहले आप ये भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका मॉड्यूल आता है मॉड्यूल। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना छोटा है। ठीक है, ये अपना SMD रजिस्टर है, SMD रजिस्टर 10K का। ठीक है, तो ये उससे भी छोटा है। ठीक है, जो इसका एप्लीकेशन मोस्टली कहाँ पे रहता है, अपने स्मार्टफोन में या टैबलेट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका एप्लीकेशन रहता है। इसकी खास बात क्या है, इसका आउटपुट हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस करके आउटपुट ल्यूमिनस में निकाल सकते हैं। ठीक है, जो LDR से पॉसिबल नहीं रहता, इससे पॉसिबल है। ठीक है, इसका नाम क्या है, APDS9002। हाँ, 9002 आप भी बोल सकते हैं, लाइसेंस है। ठीक है, और ये ऐसा भी आता है। ठीक है, उसका मॉड्यूल मतलब अलग अलग मॉड्यूल आते हैं, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं U1 लिखा हुआ। ठीक है, ए छोटा है बहुत, आप ये भी दे सकते हैं कनेक्शन ग्राउंड VCC नॉट कनेक्टेड, मतलब कुछ काम करने रहता, और सिग्नल इसका आउटपुट सिग्नल। ठीक है, सीधा करके आप दे सकते हो ग्राउंड VCC, इसका मतलब तीन पिन मस्त है सिग्नल, जो इसका आउटपुट आएगा वो VCC और ग्राउंड, बस तीन ही पिन का सेंसर है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसका आउटपुट डायरेक्ट ल्यूमिनस में आता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये लाइट इसका कैप्चर करता है। ठीक है, अलग अलग टाइप का लाइट कैप्चर करके हमको डिजिटल में आउटपुट डिजिटल या एनालॉग में आउटपुट देता है। मैं आपको एक बात क्या बता दूँ, ये सेंसर है पर इसके साथ ही उसका ट्रांजिस्टर भी आता है, तो ये बन जाता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, सेंसर है पर उसके साथ ही ट्रांजिस्टर भी है। ठीक है, मैं आपको एक बात ठीक से बता देता हूँ, इस जगह में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेन सेंसर ये लाल टॉप पार्ट दिख रहे हो, मेन सेंसर है, और इसके साथ ही उसको सिग्नल जो आता है उसका, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए आप एक ट्रांजिस्टर लगा बैठे हुए, तो आउटपुट हमको एम्पलीफाई करके मिल जाता है। ठीक है, तो ये सिंपली आप बोल सकते हो ट्रांजिस्टर है सेंसर के साथ। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये पैरामीटर बहुत है, तो ये देखो जब मैक्सिमम इसका करंट रेटिंग है वो 410 410 माइक्रो एम्पियर।
मतलब बहुत ही कम करंट कंज्यूम करता है। आप देख सकते हो इसकी मैंने डेटा शीट से निकाली हुई है फोटो है। ठीक है, करंट कंज्यूम बहुत ही कम करता है और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 3.3 से 5 वोल्ट तक है। ठीक है, और हम प्रोजेक्ट में उसके साथ साथ ही IR मॉड्यूल भी यूज करने वाले, ए यूज करो या ए यूज करो, ठीक है, या ए यूज करो, ये आपको पहचान या आपके जवाब में आया होगा। ठीक है, ये बहुत ही लोकली है और आसानी से मिल भी जाता है। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो, आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये भी, ठीक है, मतलब सब एक ही है, चाहे तो ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी, ये मतलब इसका आउटपुट आप देख सकते हो, इसको आपको देना होता है 5 वोल्ट ग्राउंड और आउटपुट जो आता है इसका। ठीक है, ये हम क्यों यूज करने वाले, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, मतलब कोई सामने आया तो सिग्नल आउटपुट भेज देगा, तो हम चलते हैं आप प्रोग्रामिंग की तरफ। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो की गई है ब्लॉक्स थ्रू। ठीक है, ब्लॉक्स थ्रू प्रोग्रामिंग की हुई है टोटल सॉफ्टवेयर में। ठीक है, मैं आपको इसकी हिस्स फाइल दूंगा, वो आप अपलोड कर देगा, आप उसको अपलोड कर देना अपने आर्डुइनो में। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल है, कुछ इतना हार्ड नहीं है अपलोड करने में। ठीक है, तो मैं एक बार आपको प्रोग्राम समझाता हूँ। ठीक है, हम क्या करने वाले, जो रीडिंग आएगी सेंसर से वो रीड करने करेंगे, और साथ साथ रीड करने वाले जो IR मॉड्यूल है जो हमने आपको अभी दिखाया उसका रीडिंग भी हम रीड करने वाले। ठीक है, अगर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो 300 लुमिनस से भी कम हो गई तो क्या होगा, वो बाद में अगर ए टू हो गया ऊपर का, बाद में अगर हमारा जो IR मॉड्यूल है उसका जो हम अगर वो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के अंदर आया होगा तो क्या होगा, लाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, इतना होता है प्रोग्राम में। ठीक है, अगर अगर लाइट इंडस्ट्री ज्यादा है तो सीधा ऑफ हो जाएगा, और लाइट इंटेंसिटी कम है और ऑब्जेक्ट 30 मतलब 20 सेंटीमीटर के अंदर नहीं है तो लाइट ऑफ हो जाएगा। बस इतना सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, ब्लॉक शुरू किया हुआ प्रोग्राम है, आपको सीधा ही इसकी हेस फाइल मिल जाएगी, नीचे के सिस्टम में लिख जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, हम खाली इसको आप जो आगे है हेस फाइल अपलोड कर देने की, हेस फाइल कैसे अपलोड करने की, आप आईबटन पे क्लिक करके दे सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो तैयार किया हुआ है, तो हम चलते हैं सिमुलेशन में। ये अपना आर्डिनो है और ये सेंसर, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है फोटो में भी, क्योंकि उसमें हम सिग्नल जो लेते हैं वो अमरीका करके ही लेते हैं। ठीक है, थीके? और जो हमारा जो है LED जो हम ऑन ऑफ करने वाले, आप यहाँ पे LED के अलावा रिले थ्रू लाइट या फैन या फ्रिज को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, रिले थ्रू मैंने आपको समझने के लिए खाली यहाँ पे LED दिया हुआ है, और ये अपना इंफ्रारेड पॉलीमीटर सेंसर जो हम यूज करने वाले है, और ये अपना लाइट सेंसर। ठीक है, तो हम इसे पहले कनेक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्शंस, जो आपको पता नहीं चलेगा कनेक्ट कहाँ पे करना है। ठीक है, तो जो जो सेंसर का आउटपुट पिन है वो कनेक्ट करने का A2 पे। ठीक है, एनालॉग पिन 2, और जो सेंसर का आउटपुट है वो कनेक्ट करने का एनालॉग पिन 0 पे, और जो अपना LED है, ठीक है, उसकी इनपुट की वायर, ठीक है, इनपुट की वायर कनेक्ट करने की D3 पे, ग्राउंड की, देखो सबका ग्राउंड कॉमन है। ठीक है, VCC सबका कॉमन है, खाली जो डेटा इनपुट है वो डेटा इनपुट वायर खाली A2 पे कनेक्ट करने की, आर्डुइनो पे यहाँ पे A2। ठीक है, और जो LED की VCC की वायर है, मतलब आप जो LED कनेक्ट करने वाले हैं या रिले कनेक्ट करने वाले, रिले की इनपुट वायर या LED की इनपुट वायर वो कनेक्ट करने की D3 पे, और सेंसर का जो आउटपुट पिन आता है
ठीक है, जीरो आउटपुट पिन को कनेक्ट करने का A0 पे, ठीक है। आपको कनेक्शन समझ में आया ही होगा मेरे हिसाब से, तो चलिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कैसे काम करता है, ठीक है। एक्चुअल में देखो, रन तो हो गया, अब LED ऑफ है, ठीक है। अब क्योंकि सूरज निकल गया है, ठीक है, और इसकी रेंज भी जैसे सेगमेंट के में काम करता हूँ, अब रेंज में थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। मतलब जो प्रोग्राम है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बादल लाऊंगा इसमें ऊपर, ठीक है। बादल आ गए आ गए आ गए आ गए, देखो LED ऑन हो गया, ठीक है, LED ऑन हो गया। आप मैं क्या करता हूँ, इसकी रेंज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे 21 हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हुआ, तो LED ऑफ हो गया बादल आने के बाद भी, ठीक है। एक दो कंडीशन अब ट्रू हो गई, ठीक है। अब बादल चले गए और IT मंडी से, ठीक है, दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी ये लाइट ऑन होगा, ठीक है। जिम्मा साहब सारे कनेक्शन से, और आप अहम में रखिए जो सेंसर का जो आउटपुट पिन है उसके अक्रॉस, ग्राउंड के अक्रॉस आपको 10 नैनोफैराड का और 1K का रजिस्टर भी लगाना है, अगर आपने खाली सेंसर लिया या तो। और आपने सीधा मॉड्यूल लिया तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती, खाली आपको पिन उसको A2 को जोड़ देने का, ठीक है। बहुत सिंपल सादा प्रोग्राम था, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए भी, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ रन करके। देखो बादल आ गए, ठीक है, चांद भी निकल गया, तभी LED ऑन है, ठीक है। मतलब रात हो गई तो LED ऑन हो गया, ठीक है। और जब बादल हो निकलेंगे तब LED ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप LED लगाओ या बल्ब लगाओ रिले थ्रू, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर देना, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बता दे, कोई क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। और साथ साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर कर लीजिए, घर पर रहिए, भयभत निकलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।